नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रवेश सत्र जुलाई 2021 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इससे पूर्व वीडियोस में हमने प्रवेश सत्र जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रवेश सत्र जुलाई 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कराया जा सकता है एवं किस प्रकार लॉगिन हुआ जा सकता है के संदर्भ में। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक फॉर जुलाई 2021 सेशन लास्ट डेट इज 15 जुलाई 2021, अर्थात विद्यार्थी 15 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं फीस जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने फ्रेश एडमिशन का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, दिए गए दिशा निर्देशों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके पश्चात हमें क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सर्वप्रथम विद्यार्थी को अपना यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम अपने नाम के आधार पर या किसी भी आधार पर, आप यहाँ कोई निकनेम है वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर लॉगिन के लिए। इसके पश्चात एप्लीकेंट्स अपना फुल नेम लिखेंगे। इसके पश्चात ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। ईमेल एड्रेस वही होना चाहिए जो वर्तमान में संचालित है और मोबाइल नंबर भी वही होने चाहिए जो वर्तमान में संचालित है, जिन पर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात हमें पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पासवर्ड जनरेट करने के लिए जो पहला अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए। इसके पश्चात बाकी की जो शब्द हैं वो छोटे होने चाहिए। इसके पश्चात हम किसी भी स्पेसिफिक करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैशटैग का यूज़ कर लिया हमने, इसके पश्चात स्टार का यूज़ कर लिया, एट का यूज़ कर लिया। इसी के साथ में हमें डॉलर का साइन का यूज़ कर सकते हैं, एंड का यूज़ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ छोटे या बड़े जो अक्षर आते हैं साइन इन, इनका भी यूज़ यहाँ किया जा सकता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में किसी व्यक्ति का नाम यहाँ ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम रामा है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है, रामा शर्मा। इस व्यक्ति के पहले नाम का जो अक्षर है वो हम यहाँ बड़ा लिख सकते हैं। इसके पश्चात शेष जो अक्षर हैं उन्हें हम यहाँ छोटा लिख सकते हैं। इसके पश्चात स्पेसिफिक करेक्टर का यूज यहाँ किया जा सकता है, जैसे स्टार का यूज़ कर सकते हैं, एट का यूज़ करते हैं, हैशटैग का, कोई भी एक जो वर्ड हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ हैशटैग का उपयोग कर लिया। इसके पश्चात इसकी जो DOB है, जैसे मान लो 1980 है तो यहाँ 1980 हमने यहाँ लिख दिया। मोबाइल नंबर है तो यहाँ मोबाइल नंबर की जो 4 डिजिट हैं उनका भी उपयोग यहाँ हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो पासवर्ड है वो जनरेट करने होंगे। यहाँ मिनिमम 6 करेक्टर्स के होने चाहिए, यानी कम से कम 6 अक्षर तो यहाँ होने ही चाहिए। तो हम यहाँ जो पासवर्ड है उसको लिख सकेंगे। इसके पश्चात री एंटर पासवर्ड, ऊपर जो हमने पासवर्ड जनरेट किया है वही पासवर्ड हमें दोबारा यहाँ लिखना होगा। इसके पश्चात मोबाइल नंबर, इसके पश्चात री एंटर मोबाइल नंबर, इसके पश्चात वेरिफिकेशन कोड हमें यहाँ लिखना होगा, कैप्चा वेरिफिकेशन। अगर कैप्चा समझ में नहीं आए तो यहाँ पर हम दिए गए लिंक पर यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ से चेंज किया जा सकता है। जो समझने वाले जो वर्ड हैं उनका इस्तेमाल यहाँ हम करेंगे। यहाँ हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसके पश्चात रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा, दिस यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। तो यहां पर हम इसको चेंज कर लेते हैं। रजिस्टर यहां पर जो कैप्चा है इसको हम दोबारा चेंज कर लेते हैं। रजिस्टर जैसे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। सेव या नेवर पर हम क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ हम रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, यहाँ हम पासवर्ड को हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र नेम लिखा गया है जो हमने वहाँ बनाया था, इसके पश्चात पासवर्ड है, इसके पश्चात यहाँ कैप्चा वेरिफिकेशन है। तो हम यहाँ कैप्चा को भी यहाँ चेंज कर सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको टाइप करेंगे। इसके पश्चात लॉगिन, जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। यहां पर कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है जो हमें जाननी आवश्यक है, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन द एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग, स्कैन फोटोग्राफ 100 KB से कम होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ यूज़ करना है, इसके पश्चात सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ 100 KB से कम होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ लेस देन 200 KB एंड रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी 200 KB से कम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी या एप्लीकेबल है तो यहाँ 200 KB, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC लेस देन 200 KB, BPL सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल है, इफ़ बिलो पॉवर्टी लाइन तो लेस देन 200 KB। इसके साथ में हम ऑनलाइन आवेदन फीस जो जमा करा सकते हैं वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करा सकते हैं, तो इसका भी हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात हम स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें यहाँ आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा।
यहाँ पर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के संदर्भ में, क्वालिफिकेशन के संदर्भ में, कोर्स के संदर्भ में, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के संदर्भ में, अपलोड्स के संदर्भ में, प्रीव्यू और फी के संदर्भ में जानकारी देनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार भरा जा सकता है, हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की जो गलती है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ना हो। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। दिए गए लिंक पर क्लिक करके हम यहाँ चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और इसी के साथ में लॉगआउट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से लॉगआउट हो जाते हैं। जैसे ही लॉगआउट होंगे, लॉगआउट होते हैं हम जो है होम पेज है आवेदन पत्र भरने की, वहाँ पर लौट जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन एवं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हम अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है आसानी से भर सकेंगे। इग्नू से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। इसी के साथ में इग्नू से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और इग्नू का अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, अर्थात उसे भी आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।